હાલ શિયાળાની ઋતુ શરૂ થઈ ગઈ છે અને ઠંડીનો ચમકારો વધ્યો છે. તેવા સમયે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગરમ કપડાં વેચનારા તિબેટીયન શરણાર્થીઓ મોરબીમાં ગરમ કપડાં વેચવા આવી ગયા છે. જેઓ મોરબીમાં સનાળા રોડ ઉપર ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ પાસે ખુલ્લા મેદાનમાં મજબૂત બંધક બાંધી ગરમ કપડાંનું વેચાણ કરી રહ્યા છે. તિબેટીયન સ્ત્રી અને પુરુષો બંને ગરમ કપડાં વેચતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત સનાળા રોડ તેમજ સામાકાંઠા વિસ્તારમાં છૂટક છૂટક ગરમ કપડાં વેચનારા સ્ટોલ ઊભા કરીને ગરમ કપડાં વેચી રહ્યા છે. हमारा मम्मी पापा लोग माँ बाप लोग तिब्बत से आया हुआ है. तिब्बत से आके हम लोग यहाँ पे पैदा हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस है. हम लोग रिफ्यूजी होते हुए हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलता नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब मिलता नहीं है इसलिए हम लोगों को इस लाइन स्वेटर बेचने का लाइन पकड़ना पड़ा. हम यहाँ पर जितना भी है, यहाँ पे 18 फैमिली है, 18 फैमिली का हर फैमिली का एक एक शुभ है. ऐसी ही सभी स्टेट में है, जैसे कि सौराष्ट्र में हो गया, जैसे सौराष्ट्र में अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर हो गया, भावनगर हो गया, जहाँ जामनगर हो गया, राजकोट हो गया, सब जगह पे हमारा आदमी है स्वेटर बेचने वाला. लेकिन हम लोग ये लाइन इसलिए पकड़ा है क्योंकि हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलता नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स में जाना पड़ता है और प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी बहुत कम है, इसलिए हम लोगों को ये लाइन पकड़ना पड़ा. कोई दूसरे स्टेट में फिर यही काम करता है, यही गर्म जर्सी दूसरी जगह पर, जैसे कि हिल स्टेशन हो गया, जैसे मसूरी हो गया, धर्मशाला हो गया, ऐसे में मौसम थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए कोई बैंगलोर चले जाता है, वहाँ पर हमारा कॉलोनीज है, वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं. कोई मसूरी जाता है, देहरादून जाता है, वहाँ पर थोड़ा मौसम ठंडा है, फिर यही काम करता है. लेकिन यहाँ पर मोरबी में, वैसे मोरबी अकेला नहीं, पूरा सौराष्ट्र में आदमी अच्छा है. जैसे दूसरा स्टेट की तरह, दूसरे स्टेट में जैसे कि लेडीज लोग रात को निकलते समय खतरा होता है, ऐसा यहाँ पे खतरा कुछ नहीं है और यहाँ का आदमी अच्छा है और ख़ास करके सौराष्ट्र, सभी सौराष्ट्र का आदमी सभी अच्छा है.